रुकते कहाँ हैं जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। रस्तों के बंधन ना माने कोई जगह ना खोटी जाने, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, कोशिश से हर उलझन सुलझे। आज यहाँ कल कहाँ बसते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। दो पी लो और दिमाग को शांत रखो। इसका मतलब तुम्हें सब पता था कि इस घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे साहब और मेरी मम्मी के बीच में। जी, घृणा हो गई है मुझे अपनी मम्मी से और सुबह तक कल से। क्या इसी दिन के लिए हमारे मददगार बनकर आए थे वो? ऐसा नहीं करते परमेश्वरी, ठंडे दिमाग से सोचे। अच्छा लो, पहले पानी पी। नहीं पीना है मुझे पानी, चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, चला जाता हूँ, नौकरी तो हूँ इस घर का। लेकिन परमेश्वरी, एक बात कहे बिना नहीं जाऊंगा, तुम्हारी मम्मी जो ये सब कुछ कर रही हैं, सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए तो कर रही हैं। ये सब गलत नहीं है, सोच कर देख लो। संबंधों से परिचित परमेश्वरी का उस दिन पहली बार हुआ था। वो तमाम रात सो भी नहीं पाई थी, बार बार उसे अपनी माँ से घृणा होती थी, नफरत होने लगी थी सुमन दगल से, और उसके साथ ही प्रकाश की बातें लावे की तरह उसके कानों में खुल जाती थी। उस दिन परमेश्वरी ने भी एक फैसला किया कि अगर उसकी माँ को उनके बारे में सोचने का हक है तो फिर उसे क्यों नहीं, और उसने अपने संसार को उनकी दुनिया से अलग थलग कर लिया। प्रकाश उसे अपने सुख दुख बांटने वाला लगने लगा, उसकी दिलासाएं परमेश्वरी को हिम्मत देने लगी। Wow, he is amazing, superstar. प्रकाश देखो ना, क्या कमाल कर रहा है अपना हीरो। प्रकाश तुम देखना, ये सब तो कुछ भी नहीं, एक दिन मेरे पास बहुत दौलत होगी, ऐशो आराम, नौकर चाकर। तुम देखना प्रकाश, मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की होंगी। उसमें क्या शक है, इंसान जो चाहे हासिल कर ही सकता है। तुम देखना प्रकाश,
मैं किसी के रहमो करम पर नहीं पलूंगी, अपना मुकद्दर मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन मुकद्दर ऐसे टीवी देखकर नहीं बन जाता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अपना वो सुपरस्टार सुमेर खान है ना, इससे भी बढ़िया और आलीशान कोठी में ठार से रहता वो। सच? तुम्हें कैसे पता? पता है तभी तो कह रहा हूँ। बताओ ना प्रकाश, तुम्हें कैसे पता है? मेरे चाचा उनकी कोठी पर काम करते हैं वहाँ मुंबई में, जब यहाँ आते हैं ना तब सब बताते हैं। सच? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रकाश मुझे एक बार सुमेर खान जी से मिलवा दो प्लीज। मुश्किल है उनका किसी से भी मिलना। तुम्हारा तो चाचा वहाँ पर है, फिर भी मुश्किल है, एक बार मिलवा दो मुझे बस। कहा ना मुश्किल है, और बम्बई के यहाँ रखा है तो क्या हुआ, हम बम्बई चलेंगे ना। और मिर्सा पहले उनसे पूछना पड़ेगा। उसे क्या पूछना है? वो नाराज नहीं होंगी? वो कौन होती है, मेरी मर्जी है, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे वहां ले चलोगे ना? ऐसे नहीं, पहले मैं अपने चाचा को खत लिख देता हूँ, जवाब आने दो तब देखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम अपने चाचा को चिट्ठी लिख दो, पर जल्दी करना, और एक सप्ताह में जवाब दिया जाएगा, है ना? परमेश्वरी, परमेश्वरी मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। खाना खाया उसने? जी मैम साहब, आपको लगा दूँ? नहीं मैं खा के आई हूँ, पता नहीं हो क्या गया इसको। मैं जाऊँ मैम साहब? हाँ तुम जाओ। युवा अवस्था में ऐसा आकर्षण स्वाभाविक है, अक्सर किशोर और किशोरियां इसके शिकार हो जाते हैं। चमक दमक, रुपए पैसे की लालसा, या फिर किसी एक को आदर्श मान उसी सा बन जाने का जुनून। परमेश्वरी के भीतर भी यही सब आकर्षण पनप रहे थे। नहीं जानती थी वो सब परमेश्वरी, उसके सर पर तो बस संसार में सबसे अमीर होने का भूत सवार था। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में गलत कदम उठाते हैं किशोर, तो फिर इसमें परमेश्वरी का क्या कसूर? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि प्रकाश के चाचा जी का कोई पत्र आया था? एक दिन वो बहुत खुश आया था और उसके हाथ में एक कागज था। परमेश्वरी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खबर लेकर आया हूँ। प्रकाश तंग मत करो, जाओ यहाँ से। ओहो, एक बार देख तो लो, ये देखो, पहले पढ़ो फिर बताना कि मैं तंग कर रहा हूँ या फिर। ओहो प्रकाश, तुम्हारे चाचा ने बुलाया है और तुम हो कि? वो सब तो ठीक है परमेश्वरी, पर अच्छा यही होगा कि मेम साहब से एक बार जाने के लिए पूछ ले। प्रकाश तुम फिर वही बात कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्जी क्या पूछने में, अच्छा ठीक है तुम मत पूछो, मैं ही पूछ लूंगा उनसे। हरगिज नहीं, तुम बिल्कुल नहीं पूछोगे। अरे मुझे अपने निर्णय करने का हक है, वो कौन होती है? पर तुम ये बताओ कि हमें जाना कब है? तुम समझती नहीं हो परमेश्वरी, अगर मेम साहब से नहीं पूछेंगे तो जाने के लिए रुपये पैसे का इंतजाम कैसे होगा? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, बस ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जितने हो उतने कम है। ठीक है, सारा इंतजाम मैं कर लूंगी, बस तुम ये बताओ कि जाना कब है। देख लो, आज रात की गाड़ी से चलते हैं, वैसे मेम साहब से एक बार पूछ लेते तो। प्रकाश उस सब की कोई जरूरत नहीं है। तब ठीक है। यस, मजा आएगा। अभी तक जग रही हो? ये सोने का टाइम है, सो अब। क्या बात है परमेश्वरी, समझ में नहीं आता तुम हर समय मुझसे नाराज क्यों रहती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। जैसा तय था, उस रात परमेश्वरी ने वो घर छोड़ दिया और छोड़ दिए उस घर में बहुत से सामान। प्रकाश की ऑफिस के चपरासी रामाश्रय से अच्छे बनते थे, फोन से फोन पर
वहां की खबरें लेता रहता था। क्या बात है सुजाता, सुबह सुबह ऐसी क्या बात हो गई है? ओह माय गॉड, ये इस लड़की ने क्या कर डाला? लॉकर से मेरे जेवर और कैश भी गायब है। तुमने ठीक से देख तो लिया है? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखवा देते हैं और उसका फोटो भी ले लो। प्रकाश भी नहीं आया है आज। क्या? इसका मतलब है? हो सकता है प्रकाश उसके साथ हो। तुम चलो तो सही, उसे तो मैं देख ही लूंगा। चलो रिपोर्ट लिखवा देते हैं। नहीं सुमन, मुझसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। बदनामी कैसी? तो जाता और कोई चारा भी तो नहीं है, और फिर यूं हाथ पर हाथ भरे बैठे रहने से तो वो आने से रही। क्या पता वो आ ही जाए, चार दिन भटकेगी, जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे तो शायद आ जाए वो। कहां गई होगी, कहां जा सकती है? प्रकाश, हम दिल्ली आने के बजाय सीधा बॉम्बे नहीं जा सकते थे? क्यों नहीं जा सकते थे? लेकिन यहां रुकने की दो वजह हैं। एक तो सुमेर खान की एक सेक्रेटरी यहां रहती है, उनसे मुलाकात हो जाए, और दूसरी मैंने चाचा जी को फोन किया था, सुमेर खान कहीं बाहर गए, हफ्ते भर बाद लौटे। तो फिर हम क्या करेंगे? अरमो, बच्चों जैसी बात करते हैं, हफ्ता यही रुकना होगा और क्या। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा तो हम लोग वापस इलाहाबाद चलते हैं। क्यों इलाहाबाद क्यों? मैंने सोचा तुम्हें वो सब कुछ नहीं पाना है जिसके लिए हम निकले हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगी जिसे मुझे जरूर पाना है? तब ठीक है, हमें यहीं रुकना होगा। ठीक है। सोचता हूँ भीम साहब का पता नहीं क्या हाल होगा। क्या हाल होगा, मजे कर रही होंगी, और अब तो शायद शादी भी कर ली हो, रास्ते का कांटा जो निकल गया। ईश्वरी जाने ये कैसे होंगे। उसने ये तक नहीं सोचा कि मम्मी का क्या हाल होगा। इसमें परमेश्वरी का कोई भी दोष नहीं है, ये उम्र ही ऐसी होती है, क्षण भर की भावुकता का एक कदम काफी होता है। तुमने प्रकाश के बारे में पता किया? हाँ पता किया था, उसके घर पर, उसके रिश्तेदारों के यहाँ, जहाँ वो अक्सर आया जाया करता था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो वहां पहुंचा ही नहीं। पूरा एक हफ्ता हो गया उसे गए, लेकिन कोई खबर ही नहीं, पता नहीं कहां होगी वो, किस हाल में होगी। परेशान होती तब एक फोन तो कर सकती थी। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं फोन करके आता हूँ, शायद कुछ पता चले। चले जाना, फोन ही तो करना है, कौन सा फोन भागे जा रहा है, या फिर तुम्हारे चाचा जी। ये तुम्हें क्या हो गया परमेश्वरी, हफ्ते भर में हम वो सारी सीमाएं पार कर गए हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें दुख है? खुशी भी नहीं, सोचने समझने की तो जैसे सारी शक्ति ही खत्म हो गई हो। मुझे तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तब ठीक है, मैं फोन करके आता हूं। कहो ना प्यार है। कौन हो तुम, ये तुम्हारा कमरा नहीं है? मालूम है मालूम है मुझे, ये मेरा कमरा नहीं है, तुम्हारा तो है। क्या ये काफी नहीं है? तुम जाते हो यहाँ से, या मैं बुलाऊं मैनेजर को? बुलाओ मैनेजर को बुलाओ।
अरे जब हम आ गए हैं मेरी जान, तो फिर किसी को बुलाने की क्या जरूरत है मेरी रानी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज यानी कम से लड़की अगर मुश्किल से काबू में आए तो बहुत मजा आता है। प्रकाश, प्रकाश मुझे बचा दरिंदे से। बुलाओ बुलाओ प्रकाश, अपने आशिक को बुलाओ, यहाँ कोई नहीं आने वाला, मैंने पूरी कीमत दी है तुम्हारे साथ यहाँ रात बिताने की, समझ में आई? प्रकाश अपने आशिक को बुलाओ, आशिक प्रकाश। परमेश्वरी, परमेश्वरी दरवाजा खोलो, परमेश्वरी 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 दरवाजा खोलो, परमेश्वरी परमेश्वरी परमेश्वरी। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम इतने खराब हो, इतने खराब हो तुम कि तुमने मेरे साथ कर डाला, जिसमें मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जवाब दो मुझे, बोलते क्यों नहीं तुम? परमेश्वर बात क्या है, जवाब दो, क्या बात है? तुमने तुमने शराबी से पैसे लिए, मैं सौदा किया उसके साथ तुमने। मैं, बोलो। मैंने शराबी से पैसे लिए? किस शराबी की बात कर रही हो तुम? उसी शराबी की जो अभी अभी यहाँ से गया है। वो तो वो यहाँ तक भी चला आया। भरो मत। परमेश्वरी वो सुमन साहब के दफ्तर में काम करता है, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, मैंने उसे पैसे दिए उसका मुंह बंद करने के लिए। झूठ बोलते हो तुम। कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं क्यों धोखा दूंगा तुम्हें, क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, बोलो जवाब दो। प्रकाश अगर मैं उसे रुपये ना देता तो वो कुछ भी कर सकता, क्या पता सुमन सर को फोन पर सब कुछ बता देता। प्रकाश मुझे माफ कर दो। प्रकाश अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद पता नहीं वो क्या कर डाले। अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे पर यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ ज्यादा है, मेरी एक बुआ यहाँ रहती है, उन्हीं के चलते हैं। वो हमें अपने पास रहने देंगी? अरे क्यों नहीं रहने देंगी, मैं अपनी बुआ का जानता नहीं क्या? अरे लड़कियों क्यों ना भाई के नाम को क्यों पट्टा लगा रही हो? अरे रिहाना तूने बालों में अभी तक कंघा नहीं करा? अरे अम्मा वही तो कर रही थी, उसने काम में लगा दिया, ले अब तू ही टांग ले बटन। अरे अम्मा जो इसमें बटन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। अभी बताती हूँ, तैयार भी होगी? अरे वक्त तो देखो क्या होता जा रहा है। अरे लता। हाँ अम्मा। तेरे को क्या हो गया है? क्या रात को थोड़ी सी मलाई सी बनिया कर? रात को? हाँ अम्मा तू भी याद करती है, रात को इसे टाइम कहाँ मिलता है जो मलेगी। सही की चौकी दादी, अभी बताती तू भी अम्मा, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। जा ए चल अपना काम देख, चल भाई जी। मैं पिछले हफ्ते जो तुमने इत्र मंगाया था वो तुझे पसंद आया क्या? यूं ही सारे पैसे चले गए नाली में? अरे अम्मा यहाँ इत्र सूंघने की फुर्सत किसे होती है, यहाँ तो जो भी आता है हवा के घोड़े पे सवार आता है। बुआ क्यों बुआ? अरे आओ आओ चल जी ना। आओ 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 प्रकाश। ये है बुआ। बैठो बेटी। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। जो आपका आसरा मिल जाए तो कुछ दिन चैन से निकल जाएंगे। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? परमेश्वरी। परमेश्वरी सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है तुम्हारा। आप बहुत अच्छी हैं। प्रकाश कहता था कि हमारी मुसीबत के दिनों में आप हमारी मदद करेंगी। हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची।
आपकी बेटियां हैं? हाँ, तुम भी तो मेरी बेटी हो, क्यों क्या नहीं हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक बार करके तो देखो। तब फिर मैं चलता हूँ बुआ, आपको अपनी बेटी मिल गई, अब मुझे क्यों पूछेंगे आप? तुम कहाँ जा रहे हो प्रकाश? परमेश्वरी, अब हम दोनों का एक जगह रहना ठीक नहीं है। क्यों, यहाँ हमें कौन ढूंढेगा? कोई भी किसी को भी पता चल सकता है, उसी ने देख लिया तो। नहीं नहीं, उस शराबी का नाम मत लो, मुझे बहुत डर लगता है। तब ठीक है, अब तुम्हें यही रहना पड़ेगा। बुआ है ना यहाँ, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने देगी, क्यों बुआ? हाँ, क्यों नहीं, अपने दिल को टटोल कर तो देखो, ऐतबार न होता तो क्या यहाँ छोड़ जाते? नहीं, वो बात नहीं है बुआ। अरे जीनत, ए जीनत, यहाँ ना बेटी। हाँ अम्मा। इधर आ, ये परमेश्वरी। ओ, तुम्हारी बहन। जी। अंदर ले जा। आओ आओ आओ। और देख, इसे कुछ खिला पिला देना। ठीक है अम्मा। और तंग मत करना। अच्छा अम्मा। हाँ। आओ आओ ना। अब मुझे भी जाने दे जूना भाई, फिर कभी इधर आया तो जरूर आऊंगा। लो पूरे, और ईश्वर ना करे फिर कभी किसी के साथ इस कोठे की सीढ़ियां भी चढ़ो। क्या कह रही हो जूना भाई? ठीक कह रही, तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, चले जाओ यहाँ से। ठीक है जूना भाई। अम्मा, कौन था ये? असाई का कोई दूसरा नाम होता है क्या? किसी और घर के दरवाजे से जूना का दिल बेहतर है। कहाँ है वो? लता के साथ उसके कमरे में है। अम्मा तुम भी, कौन कहेगा तुम्हारा दिल भी ऐसा है? अरे पगली, जूना का दिल हजारों हजार बार रोता है आज के दिन, तुम नहीं समझो। अम्मा तुम हमसे कह रही हो, अपनी बेटियों से? भला हम नहीं समझेंगे तुम्हें? माँ, अच्छा लूट रहे हो तुम लोग? हाँ, लूटो लूटो है, जा, लूटने नहीं दूंगा, किसी को लूटने नहीं दूंगा। पैसे देना। एक पैसा नहीं है तेरे लिए मेरे पास। मैं बोला ना पैसे दे। क्या दे इसे? एक थैला नहीं दूंगी इस कैबों के लिए। क्या दे इसे? चला जा यहाँ से, एक पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा पैसा नहीं है? हाँ। तू देगी पैसा? मैं लूंगा पैसा, जरूर देगी पैसा, तू पैसा देना। चला जा, निकल जा। पैसा देना, पैसा देना। चला जा, निकल जा, चला जा, निकल जा। ये ले ले पैसे, कहीं भी चला जा, चाहे इसकी मर्जी हो बाहर चला जा। हमारा चला जा। अरे रोते नहीं है, रोते नहीं है, जाऊं? जा अब। हाँ जाता हूँ, 10 रुपये मिले। अम्मा अम्मा जा अब। मैं अच्छा लड़का हूँ तेरा माँ, जाता हूँ जाता हूँ। कैसी हो जीनत, ने कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? हाँ बुआ,
ये कैसी जगह है? कैसी जगह मतलब? अब तक तो तुझे पता चल जाना चाहिए था। क्या बेटी, तुमने कोठुआ और चकलों के बारे में तो सुना होगा? हाँ सुना तो है। तो ये जूनाबाई का कोठा है क्या? कोठा? हाँ, तुम्हारा चौंकना लाजिम है बेटी, लेकिन ये भी हकीकत है। यहाँ आने वाली हर लड़की की तरह तुमने भी जिस पर एतबार किया वो चंद रुपयों की खातिर तुम्हें यहाँ बेच गया। क्या प्रकाश ने मुझे चंद रुपयों के लिए यहाँ छोड़ दिया? हाँ यही हकीकत है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कहीं भी चली जाऊंगी। मैं कहाँ चली जाऊंगी? कहीं पे भी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सुनो बेटी, कहा ना मैंने, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? इस दूध धुले समाज में जहाँ से चढ़कर तो सीढ़ियां यहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ से कोई सीढ़ी नीचे नहीं उतरती। फिर भी अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। देखो बेटी, जुनाबाई के जिसमें भी एक माँ का दिल, मेरे ऊपर यकीन करो, जैसा मैं कह रही हूँ मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारे घर जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। नहीं बच्ची, नहीं नहीं बुआ, रुकते कहाँ हैं जब बढ़ जाते ये बढ़ते कदम, है ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम।